सारे दर्शकों मेरा यानी चंद्र नागपाल का प्यार भरिया नमस्कार। दोस्तों अज असी तुहानू लेके आए हाँ खेती अते अन्नदाता किसान दे प्रोग्राम तहत। इस प्रोग्राम के तहत असी अज करवा रहे हैं सर्वे कि कणकां जो कि बहुत ज़्यादा जरूरत नाल ज़्यादा पक चुकियां ने, जो कि जे थोड़ी जी हवा चल जाए तो डिगन दे पूरे पूरे आसार ने। जे मीह या किसी तरीके के गड़ेमारी हो जाती है, रब ना करे अजिहा होवे, पर जे हो जाती है तो किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, इस गल कोई दो राय नहीं। तो अज तुहानू दिखाने कि जिवें अज 10 तरीक सी कि अज 10 तरीक कट्टन की तरीक खरीददारी की पहली तरीक सी, इस दी वजह दे नाल किसानों ने अज कणकां कट्टनियां शुरू कीतियां ने, तां जो खेतों तों कणक कट के सीधी जिहड़ी है कि वह मंडी दे विच जा सके, तां जो घर उहनां कोल स्टोरेज करन दी जगह नहीं हुंदी और लोडिंग अनलोडिंग का भी खर्चा पैंदा है। तो आओ दिखाने तुहानू किस तरीके अज एक उगे किसान जो पिंड इस रहेल दे सरदार नौरंग सिंह जी अज अपनी कणक कटवा रहे ने, अपने उहदे नाल अपनी कणक कटवा रहे ने कंबाइन दे नाल, ते उस तो बाद किस तरीके कंबाइन कणक कटदी है, किस तरीके उसनू ट्राली च भरिया जाता है, जे उसनू घर जाके अनलोड किया जाए फिर लोडिंग करनी पेगी, सो बहुत बड़ी समस्या उन्होंने वास्ते है। सो आओ उन्हां दे नाल इन्हां समस्याओं के बारे कुछ गलबात करते हैं। करो जी करो, सत श्री अकाल जी भाजी। आप कि पिंड खड़े हाँ तो अज जी आप कंबाइन नाल कटाई होंगी देखी है, ये किहड़े पिंड की कणक है ते किहड़ी कणक है? ये मैं नरंग सिंह वासी सरहेल, ये नगर सरहेल दे विच तुसीं अज आए हुए हो। ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की चरण छोह प्राप्त पिंड है जी, जिथे श्री गुरु नानक देव जी ने तकरीबन 7 दिन बैठ के तपस्या की। तो अज बहुत दुख नाल कहना पै रहा है भी तकरीबन जिहड़ी साडी कणक सीगी वो 3-4 अप्रैल नूं पक चुकी सी, पर सरकार वल्लों खरीद ना होण करके ये लेट हो गई, बिल्कुल कुड़ गई सीगी। अज साडे नाल कंबाइन वाले खड़े ने, असीं इन्हां नूं कहा भी ये दाणा फुट रहा है, कहिंदे भी तुहाडी कणक है जिहड़ी ज़्यादा पक गई, भी ये पहलां वढा हुंदी सी 4-5 दिन, भी इस करके इन्हां ने चलो वधिया कटाई वधिया कीती है, ऐसी गल नहीं हैगी। सो अज एक होर सब तो बड़ी गल है भी तकरीबन जिहड़ी साडे इलाके की सारी वो कणक है जिहड़ी वो पक चुकी है जी। पहलां तां परमात्मा वल्लों देखो 2-3 दिन पहलां मीह
हो गया सी, काफ़ी जगह पर नुकसान भी हुआ, गड़ेमारी भी हुई है, तूफान भी आया है। इस तो अलावा होर भी बहुत सारा नहीं झखड़ दे नाल नुकसान होया। सो इस करके चलो असी तो कहने परमात्मा कृपा करे, पर जेकर परमात्मा यहोजी कोई गल हो जाती है, नहीं झखड़ा आ जाता जा गोलेबारी हो जाती है, तो जिमीदारों का बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है। बिल्कुल। इस तो अलावा देखो जिमें कणक सारी पक्की खड़ी है, आम तौर पर चलो बिजली वाले ठीक है भी दिन के कट ला लेंगे ने, पर रात वाला जो समय है उस दे विच भी कई बार स्पार्किंग हो जाए तो एक चिंगारी भी पूरा नाश कर सकता है। जे एक चिंगारी भी है तो किलोमीटर के किलोमीटर खाली हो जाएंगे। अज तो चार पाँच साल पहला पिछे तुम देखते हो जौड़े खंबे ने उत्थे स्पार्क होने दे नाल मेरी जिहड़े करचे सी फुग गए, एक किला कणक का भी फुग गया। उस दे नाल असी बहुत चारा जोई करी पर किसी ने साडा हाथ नहीं फड़िया। असी कहा भी कोई FIR दर्ज करो भी जिहड़े नुकसान होया बिजली महकमे करके होया, पर नहीं। पर असी तो कहने भी चलो बिजली महकमा भी साडा ही महकमा है, सरकारी महकमा है, पर असी ये कहने सरकार अगे हुण इहो अर्जोई करदे हां भी इहनू समय सिर खरीदया जाए। हुण जिहड़ा आम तौर पर सेंटर सरकार है वह कहती असी जिमीदारां दे सीधी पेमेंट करनी है, जिहड़ी साडी पंजाब सरकार है वह आड़तियां नूं कह रही है भी असी तुहाड़े नाल खड़े हैं भी असी आड़तियां दे थ्रू है जिहड़ी अदायगी करांगे जी जिमीदारां नूं। पर हुण जिहड़ा असली मैनेज तां जिमीदार पिसा जा रहा है, जिहड़ी लेट हो रही है कणक चार पाँच दिन कटाई लेट होगी, इस तो भी होर संभावना है जिस तरह अज 10 तारीख है, अज कहिंदे सी भी इह कणक दी खरीद है जिहड़ी शुरू हो जूगी, पर अजे तक असी मंडियां दे विच जा के आए हां कोई इस तरह की तैयारियां नहीं हैगियां भी अज साडी कणक खरीदी जाऊगी। पर जेकर पंजाब सरकार चाहे तो वह खरीद कर सकदी। सो गल यह है जी जिवें कणक लेट हो रही है इसनों कट के पहला घर नहीं रखा जा सकता, दो चार दिन 10 दिन इंतजार नहीं किया जा सकता। असी देखो जी जिहड़े पहला 2-3 किले कट्टे सी वह घर रखे हुए ने, पर इन्ना जिहड़े जिमीदार कोल स्टोरेज दी बहुत वड्डी प्रॉब्लम है, इन्ना साधन नहीं हैगे। पहला इहनू थल्ले तारांगे फिर उसनों लोडिंग अनलोडिंग का इन्नी लेबर की भी प्रॉब्लम है। देखो यूपी बिहार तो बहुत घट लेबर इस जानकारी है कि चलो तुहाड़ी अपनी जमीन हैगी है, तुहाड़ी अपनी खेती हैगी है, सीधी अदायगी की जा सकती है, बट जिन्हां ने ठेके ते लई हुई है उन्हां दी अदायगी किसान नूं जाऊगी। ठेकेदार जिन्हें ठेके ते लई हुई है, ठेके का पैसा दिता होया देना, वो पेमेंट अपने घर के खर्चे किवें करूगा? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है साडा, जिहड़ा 25-30% जिहड़ा आम किसान है खास करके जिहड़े NRI पता ने वो बाहर ने, उन्हां दीआं जमीनां इत्थे ठेके ते दित्तियां होईआं ने, चाहे रिश्तेदारां नूं चाहे वैसे किसे नूं दूजे बंदे नूं। देखो जी ये जिहड़ा एक पड़ा है 3 कानूनों का जी, उस कड़ी के वजों ही इस नूं असी लैने हैं भी वह गरदौरी एक किस्म की करनी चाहते ने भी किन्ने लोग अपनी जमीन पर खेती करते हैं, किन्ने NRI ने ठेके से देई हुई है, जां किन्ने होर जिहड़े लोकल ते लोगों ने ठेके से देई हुई है, इहदे सारे अंकड़े जेकर वह सीधी अदायगी दे नाल जां जिस तरह वह कहिंदे भी फर्द लियाओ जिन्नी थोड़ी जमीन होगी उहदे हिसाब नाल चाहे 20 क्वांटल चाहे 22 क्वांटल वह झाड़ देखणगे भी 20-22 क्वांटल दे पर एकड़ भी किन्नी जमीन है। एक होर बहुत वड्डी समस्या आई है पिछली बारी, बहुत सारी कणक है जिहड़ी बाहरों आई है, इस बारी भी हुण बठिंडे जां होर असीं देखिया भी बहुत सारे आ गए क्योंकि इत्थे रेट वधिया बाहर रेट नहीं वधिया, उहदे नाल भी थोड़ी साडी जिहड़ी खरीद ते बहुत वड्डा वास्ते लिफ्टिंग दा फर्क पऊ, बहुत वड्डे असर पैंदा है। ये सही अंकड़े तो ही निकल सकते हैं जेकर सही दिशा के साढ़े पंजाब की कणक को पहला खरीदन, बाकी जेकर उन्होंने को बाकी बचती है होर कणक मंगाई बाहरों मंगा लैन सानू कोई समस्या नहीं। पहला सिर्फ तो सिर्फ जिहड़ा पंजाब का किसान है जिमीदार है किसान है लेबर करने वाला है वो जी कणक है उन सब तो पहला खरीददारी होनी चाहिए है, उन्होंने सही समय पर पेमेंट होनी चाहिए।